पहली बार दिल कब टूटा? स्कूल में ही टूट गया। हाँ हाँ, तो मिली नहीं ना वो। झूठ बोलकर पैसे लिए? मैंने जिंदगी में किसी भी चीज के लिए कभी पैसे नहीं। अपने प्यार के लिए क्या पागलपंती की है आपने? मैंने धमकियां दी है अपने प्यार के लिए कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। I think Varun would be fun to go. But he's married. It's not like I'm actually going. It's okay. नहीं, बट ठीक है। कौन से एक्टर के बारे में आपने अच्छी अच्छी चीजें बोली बट आपको वो पसंद नहीं? सबके बारे में अच्छा बोला है। सब पसंद है। पहली बार इश्क कब हुआ? स्कूल में ही हो गया था। हाँ, स्कूल में ही हो गया था। जोया? नो कमेंट्स। क्यों, प्यार तो कभी भी हो सकता है। ओके, पहली बार दिल कब टूटा? ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। स्कूल में ही टूट गया। हाँ हाँ, तो मिली नहीं ना वो। मैं तो अपने ख्यालों में था ना, तो टूटेगा ही। सो जोया, पहली बार दिल कब टूटा? सबका टूटता है यार। मेरा, मैं बता रही हूँ मेरा दिल कब टूटा। एक कैरेक्टर के लिए मैंने स्कूल में बहुत बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की थी एंड उसकी मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए थे। जेन्युइनली वो नहीं मिला, मेरा दिल बहुत टूटा था उस टाइम। ऐसे तो कितनी बार टूटते रहते हैं। ओके, अपने प्यार के लिए क्या पागलपंती की है आपने? मैंने ये सारे इश्क से ही रिलेटेड है। हाँ, मैंने धमकियां दी है अपने प्यार के लिए कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी वाली, मतलब फिल्मी धमकियां दी है मैंने। जोया, क्या पागलपंती की है आपने? आई डोंट थिंक सो। मैंने कोई पागलपंती ऐसी कुछ आउट ऑफ द वे कुछ ऐसा पागलपंती मैंने किया है अब तक तो नहीं किया। लड़के ने तुम्हारे लिए किया वो तो बता दो। हाँ, वो भी बता सकते हो। ऐसा तो मत करो। हाँ, वो भी बता सकते हो। अरे ना, मतलब हाँ, ना मत बताओ, वो बता दो, लेकिन वो बता दो क्या किया है। क्या ना मत बताएगा। हाँ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है ना, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या सोच, बता दो ना। मैं तुम्हें कैमरा के पीछे। अच्छा चलो ठीक है। सो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए कभी घर से पैसे चुराए? नहीं, वो सब नहीं किया। झूठ बोलकर पैसे लिए? ना, मैंने जिंदगी में किसी भी चीज के लिए कभी पैसे नहीं छुराए। ओके, सो माँ की चप्पल या पापा की डांट? ये दोनों भी मुझे नहीं पड़ा। सो आई एम नॉट, बिकॉज़ आई वाज वेरी मतलब सुधरा हुआ बच्चा, वेयर एंड आई वुड लिसन टू माय पेरेंट्स। वरुण कुछ तो सोच रहे हैं, मतलब वरुण के साथ कुछ तो हुआ है। नहीं, मेरा पापा का ऐसा था, जब छोटे थे साल में डांटते थे, एक बार डांटते थे, तो मम्मी तो डांटती रहती थी, सो मम्मी की डांट से फ़र्क नहीं पड़ता था। पापा की वो जब एक डांट होती थी तब वो थोड़ा डर लगता था, वो थोड़ा टाइम ही था। सो स्कूल कॉलेज में कभी ऐसी मस्ती की हो जिसके लिए पकड़े भी गए हो? हाँ, ये किया है। हम एक्चुअली बंक मार के, यू नो, हमारे जो कॉलेज फेस्टिवल्स होते थे वो थोड़ी मतलब देर रात तक चलते थे, 11 बजे तक। सो वो हम बंक मार के और यू नो कुछ ना कुछ बहाने मार कर हम जाते थे, बट घर आते आते तक पता चल ही जाता था। सो उसके लिए डांट पड़ती थी। सो या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरी अटेंडेंस कम थी, सो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 75% की, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। सो फिर मैंने HOD के पास जाके गिड़गिड़ाया था, सॉरी बोला था, अपने सारे फिल्मी डायलॉग्स बोले थे। तो वो कोई फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर जिस पर जबरदस्त क्रश आया हो? आई थिंक स्कूल टाइम में आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन ज़ैक एफ्रॉन एंड आई रिमेंबर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हैड, लाइक ही वाज लाइक द थिंग एट दैट टाइम। मतलब ऐसा क्रश तो नहीं है, बट देयर आर अ फ्यू एक्टर्स हु आई लुक अप टू। ऑल आर मेन बट आई एम स्ट्रेट, सो मैं, हाँ मतलब आप फिर बोल दो कि अरे he likes men, तो कल उठ के ऐसे मैसेजेस आए तो I like Tom Hardy, I like Leonardo, I like Cillian Murphy, ये सब। एक्ट्रेस का नाम नहीं बताओ क्या? एक्ट्रेस तो फिर सभी है। जबरदस्त क्रश आया होगा ना? अरे सभी है भाई, सब सुंदर है। सबके ऊपर क्रश है आपको? क्यों नहीं आएगा, सबके साथ मैं काम कर दूंगा। सबके ऊपर क्रश, ऐसा कोई एक नाम नहीं है कि कैसे बोलूं मैं, वो ट्रांसफॉर्मर आई रियली लाइक ट्रांसफॉर्मर में, जो मैं उनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, ट्रांसफॉर्मर में कौन थी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर में एक्ट्रेस हीरोइन? ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वरुण, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ, अगर चॉइस मिले डेट पर किसे लेकर जाना चाहोगे? कौन मेरे साथ जाना चाहेंगे? पहले ये पूछो, पहले आप फिर मैं बताऊंगा। पहले आप अपना तो बता दो, क्या पता सच हो जाए। डेट पर तो अब तो सब जगह लगे हुए हैं, तो उनके डेट पे जाने का क्या फायदा, क्या हाँ सबसे शादी हो चुकी है, भाभी हो गई है सब, हाँ तो फिर क्या है उनके पास, उनका भी टाइम वेस्ट मेरा भी वेस्ट। जोया, आपसे रणबीर कपूर, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन या फिर रणवीर सिंह?
I think Varun would be fun to go. Oh. But he's married. It's not like I'm actually going. It's okay. No, but it's okay. Now imagine to kar sakte. Hypothetical hai to fir hypothetically answer hai. So koi crazy female se kabhi pala pada hai? Aur aapka crazy male fan se? Crazy male fan to nahi pata, but there are a lot of fans who, you know, would go out of their way to show their love for you and their support for you, or go genuinely, you know, as artists, we really, you know, want that. So, crazy to main keh nahi sakti, but definitely, you know, they've definitely gone out of their way. And to them, I would really say thank you so much for, you know, always supporting. Kya kehna? Mere saath, main Jaipur mein ek baar shaadi mein gaya tha. तो वहाँ पर एक लड़की थी और उसकी मम्मी थी, तो मम्मी ने तो मतलब मुझे अपना दामाद वहीं का वहीं बना लिया था. उसका बस चलता तो यू नो ज़बरदस्ती पकड़ के सिंदूर भी लगवा लेती, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हाँ मतलब वो पहली बार मेरे मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, बट ठीक है वो भी उनका प्यार ही था. ओके सो किसी लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कभी मोबाइल नंबर चेंज किया आपने और आपने लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए? नहीं, आई थिंक मेरे घर वाले वो काम कर देते देख भी लाइक बस हेलो काफ़ी है ना, फ़ोन उठा के हेलो, तो दोबारा कॉल नहीं आएगा फिर उसके बाद. सो वरुण आपने ब्लॉक कर दो? ओह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, बट ठीक है क्या नंबर क्यों चेंज करना है. ओके सो राखी सावंत या उर्फी जावेद किसके वीडियोज़ देखते हैं आप? मैं तो देखे उर्फी जावेद की वीडियो, उर्फी के वीडियोज़ देखे, राखी सावंत के नहीं. जोया? मैं उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, आई एम नॉट समबडी हु इज़ रियली ऑन द फोन और ऑन सोशल मीडिया अलॉट, व्हिच आई कंसिडर इज आई डोंट नो अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट या आई लाइक टू लिव वेयर आई एम एंड यू नो मोस्टली अगर कुछ अपने काम के लिए पोस्ट करना हो या अब मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ यूजुअली उनको उनका ज़्यादा. बट एल्गोरिथम ही ऐसा है कि अपने आप ही आते रहते हैं, हम क्या करें भाई. सो कभी इंस्टाग्राम पे किसी को अनफॉलो करके स्टॉक किया है उसे? नौबत वैसे आनी नहीं चाहिए और आई तो नहीं अब तक. वरुण? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया. नहीं किया कभी? ये बड़े बड़े टेढ़े नहीं हाँ सच है क्वेश्चंस है. आपने किया है कभी ये क्वेश्चंस बनाया किसने? मैं ये जानना चाहती हूँ. किया है? किया है. आपने कौन सा एक्टर को अनफॉलो किया है? एक्टर को क्यों करेंगे, हम तो करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. हम लोगों को तो चाहिए रहता हाँ भाई कौन सा पोस्ट आया, अभी स्टोरी क्या है, करना पड़ता है. हम लोग तो अनफॉलो करते हैं. कौन से एक्टर के बारे में आपने अच्छी अच्छी चीजें बोली बट आपको वो पसंद ही नहीं है? नहीं नहीं सबके बारे में अच्छा बोला है और सब पसंद है. ऐसा तो हो ही नहीं. अरे कोई तो सब पसंद है, हर कोई तो अच्छा हो ही नहीं सकता है. सब पसंद है. अच्छा अपनी बारी आई. ओके तीन क्वालिटी जो आपको आपके सैया जी में चाहिए और आपकी अच्छा आपको तो हो चुकी है, बट कौन सी तीन क्वालिटीज आपको ऑलरेडी पसंद है? जो भी है वही है. अब पसंद ना पसंद की बात ही नहीं आती. अब इतने साल हो गए शादी को. नहीं नहीं टू बी ऑनेस्ट यार अब तो इतने साल हो गए, बट है अब तो जो नहीं भी अच्छा लगना चाहिए वो भी हम अच्छा लगता है, तो वो एक्चुअली रिलेशनशिप का टेस्ट है. यू नो आई थिंक यू कांट ब्रिंग डाउन यू नो अ रिलेशनशिप टू जस्ट थ्री क्वालिटीज, बट अगर कहना ही हो तो आई थिंक समबडी हु रिस्पेक्ट्स यू एंड योर फैमिली एट द सेम टाइम, somebody who is fun to be with, somebody who is has a kind heart. Wow, lovely. Aur kahin na kahin to I think sabhi yahi dhoondte hai na.